नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। न्यूज 18 इंडिया की लगातार बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो आपको एक एक तस्वीर दिखा रही है। लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करें, जहां पर एकनाथ शिंदे 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे। आपसे कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव के जरिए जनता को संबोधित करेंगे और 6 बजे उनकी शरद पवार से मुलाकात होनी है। लेकिन ठीक उसके 1 घंटे बाद यानी कि 7 बजे एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार संजय राउत तो कह रहे हैं कि देखिए अब विधानसभा भंग होने वाली है, क्या उसका जवाब देंगे? सभी सवालों का जवाब शाम 7 बजे। क्योंकि रूस का दावा है कि ये वो लोग हैं जो डॉनबास में जंग के मैदान में यूक्रेन की तरफ से उसके सैनिकों पर फायरिंग कर रहे थे और उनकी जान पर खतरा बने हुए थे। रूस का मानना है कि वो लोग पूरा जोर लगा रहे थे कि किसी तरह वो पुतिन की फौज को वहां से खदेड़ दें, यानी उनका इरादा था कि डॉनबास में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। ऐसे में उन दोनों अमेरिकी नागरिकों को फांसी की सजा मिलने की आशंका बढ़ गई। इन हालात में अमेरिका को डर है कि उसके नागरिकों का रूस क्या हश्र करेगा। हालांकि रूस की तरफ से इस पर जांच पड़ताल जारी है, जिसके बाद अमेरिका के उन नागरिकों की सजा तय हो पाएगी।